हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से झारखंड बोर्ड क्लास 11वीं के लिए इकोनॉमिक्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि 2019 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। आप ये देख सकते हैं सेट हमने 2 लिया है। इससे पहले हमने सेट 1 के लिए वीडियो अपडेट आपको दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। पिछली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, टोटल 2 सेक्शन में इस पूरे मॉडल सेट को डिवाइड किया गया है। तो सेक्शन ये के अंदर में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के सवाल देखेंगे, यानी कि सांख्यिकी के जो है प्रश्न देखेंगे। टोटल मॉडल सेट में यहाँ पर 50 MCQ हैं, ठीक है। 50 जो है वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं। 25 आपको मिलेगा सेक्शन ए के अंदर, जहाँ पर हम लोग स्टैटिस्टिक्स के जो है कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों ही मीडियम में यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो यूज किया जाता है किसके लिए। देखिए, जो सांख्यिकी शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है दोनों वचन में, एक वचन में भी और बहुवचन में, सिंगुलर सेंस में भी और प्लूरल सेंस में भी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर दूसरा देखना, कह रहा है क्या कि सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स इज यूज बाय। तो स्टैटिस्टिक्स किसके द्वारा यूज किया जाता है, सांख्यिकी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो व्यवसायियों के द्वारा, बिल्कुल सही। व्यवसायी वर्ग क्या करते हैं, सांख्यिकी का प्रयोग करके पूर्वानुमान करते हैं कि आने वाले समय में इस वस्तु की डिमांड कितनी होने वाली है या इसकी सप्लाई कितनी करने की जरूरत है। इसी ढंग से वैज्ञानिक लोग भी जो है वो इसको अलग अलग तरीके से स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज करते हैं। फिर अर्थशास्त्री तो प्रयोग करेंगे ही, है ना, उनका काम ही है आर्थिक नीतियों को तैयार करना। और जब तक डेटा हमारे पास प्रॉपर नहीं होगा तब तक हम सही आर्थिक नीति कैसे बना सकते हैं। तो सभी के द्वारा यहाँ पर जो है यूज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 3 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये रहने दीजिए। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉलमों में और पंक्तियों में जो है वो अगर आंकड़ों को हम क्रमबद्ध कर रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से हम सजा रहे हैं चीज़ों को, अरेंज कर रहे हैं, है ना, डेटा को। तो यहाँ पर जो हमारा अरेंजमेंट है डेटा का, चाहे तो कॉलम में या फिर रो में, तो ये क्या कहलाएगा। तो इसको हम लोग सारणीयन कहते हैं, यानी कि टेबुलेशन। टेबल में हम लोग करते हैं ना यहाँ पर जो है वो रॉ एंड कॉलम बनाते हैं, ठीक है। तो इसके जो है वो नाम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं सारणीयन, यानी कि टेबुलेशन। और ये कई तरह के होते हैं, कई तरह के टेबल अलग अलग बनाए जाते हैं, जिस पर कभी दूसरी किसी वीडियो में हम बात जरूर कर देंगे। यहाँ पर देखो चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मोड जो है वो 18 दिया हुआ है और मीडियन कितना है 21 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। यानी कि यहाँ पर देखो रिलेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मीन मीडियन मोड का रिलेशन क्या होता है। अगर आपको रिलेशन याद है तो ये क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए, ठीक है। देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिलेशन पहले ध्यान दीजिए क्या होता है। हमने लिखा हुआ है मान लो कि यहाँ पर टू मीन, ठीक है, सूत्र यहाँ पर लिख रहे हैं हम, टू मीन इक्वल टू क्या होता है, लिखते हैं 3 मीडियन, ठीक है, 3 मीडियन यानी कि माध्य का, माइनस में क्या होगा मोड यानी कि बहुलक। ये आप सूत्र जो है वो रट लीजिए एक तरीके से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन को इंडिकेट करने का तरीका है, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी दिखा देते हैं ताकि आपको अगर पूछेगा एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड तो आप गड़बड़ ना करें। 3m, m का मतलब मीडियन, और मोड को चूंकि z लिखते हैं ना, तो इस प्रकार से मिलेगा आपको सूत्र देखने को। तो यहाँ पर देख लीजिए हमें क्या कह रहा था, मीन निकालने के लिए ना, तो मीन का मतलब एक्स बार, और यहाँ पर जो है वो 3, ये मीडियन कितना था भाई, मीडियन देखना पड़ेगा डेटा, थोड़ा सा रुकिए, डेटा याद नहीं रहता है मुझे। अच्छा मोड जो है वो 18 है, ठीक है, यानी कि बाद में 18 पुट करेंगे, और मीडियन में 21, ठीक है, मीडियन में 21 और मोड में 18। देखो यहाँ पे मीडियन में कितना पुट करेंगे हम, 21, ठीक है, और मोड में कितना पुट करेंगे हम, 18। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, 21 को 3 से गुना कर दीजिए, 21 दिया हो जाएगा 63, ठीक है, और यहाँ पर 18 का 18 ही रह जाएगा, तो 63 में से 18 आप जो, सॉरी एक चीज़ तो छूट ही गया, सॉरी यहाँ पर हमें चेंज कर लेना चाहिए था पहले डेटा को, क्योंकि देखो एक्स बार जो होता है वो हमारा कितना है, यहाँ पर 3m माइनस में क्या था जेड डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर गुना में था ना, तो यहाँ पर भागा में चला जाएगा। अब बनेगा देखिए, तो 3 से इसको मल्टीपल करिए 21 से,
और माइनस में यहाँ पर 18 हो जाएगा, भागा 2 से कर देना है। तो 21 दिया हो जाएगा 63 माइनस में कितना 18/2, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 45। 45 को 2 से भाग कर दीजिए, 45 को 2 से भाग करेंगे तो 22.5 बचेगा ना, 22 × 44 तो 22.5। तो देखो 22.5 जहाँ पर आंसर होगा है ना, 22.5 बिल्कुल ऑप्शन ये में दिया हुआ है, 22.5 दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख लो ऑप्शन पहले में ही दिया हुआ है 22.5, तो पहला जवाब मेरा बिल्कुल सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 5वां क्या कह रहा है कि कोरिलेशन कोफिशियंट इज ऑलवेज, यानी कि सहसंबंध गुणांक जो होता है वो सदैव होता है, यानी कि सदैव मतलब हमेशा, तो सहसंबंध गुणांक का जो वैल्यू होता है ना वो -1 से लेकर के +1 के बीच में होता है, यानी कि बिटवीन -1 to +1, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन यहीं पर है, देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 6 क्या कह रहा है कि मोड इज अ वैल्यू हैविंग क्या होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम जिसका जो है वो आवृत्ति होता है वही हमारा क्या कहलाता है बहुलक, है ना, बहुलक, बहुल मतलब ज़्यादा, ठीक है, और लक मतलब दिख रहा है, नहीं कहते भोजपुरी में लौका तारी किनारे है ना, तो लौकना मतलब दिखना, तो बहुलक मतलब जिसमें बहुलता ज़्यादा दिख रही है, जिसकी संख्या ज़्यादा दिख रही है, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या 7वां क्या कह रहा है कि न्यूज़पेपर इज अ सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा, न्यूज़पेपर जो है यानी कि समाचार पत्र द्वारा प्राप्त जो आंकड़ा होता है वो क्या होता है, किस तरह का डेटा होता है, तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है, द्वितीयक आंकड़ा आप कह सकते हैं, ठीक है, जितने भी पब्लिश्ड डेटा होते हैं, चाहे तो यूट्यूब पर आप कोई भी कंटेंट देख लो डेटा से रिलेटेड, या फिर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ें रिलीज़ करी है वेबसाइट वगैरह पर, या फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, या फिर टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है, ये सब सेकेंडरी डेटा ही होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन संख्या 8 क्या कह रहा है कि द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम इज नॉन एज, मतलब पदों के विचरण की माप को क्या कहते हैं, तो हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं, है ना, अपकिरण कहते हैं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन संख्या 9 पर, 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ प्रोफेसर पी सी महालनोबिस, पी सी महालनोबिस जो है वो एक बड़े अर्थशास्त्री हैं कह सकते हैं, है ना, ऑप्शन पहला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, और पी सी महालनोबिस ने जो है ना ISI की जो है स्थापना के लिए सलाह दिया था, मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जिसको कहते हैं, तो इसके स्थापना में जो है ना पी सी महालनोबिस का एक जो बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए हम लोग संस्थापक इनको बोल सकते हैं, पी सी महालनोबिस को ISI के संस्थापक हैं। अब यहाँ पर रिसर्च वर्क चलता है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आकर के कार्य करते हैं, और ये जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है इसका जो हेडक्वार्टर है कह सकते हैं ये कहाँ पर है, कोलकाता में है, कहाँ पर है, कलकत्ता में है, ठीक है, और ये कलकत्ता के भी रहने वाले थे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, डेविएशन सबसे पहले समझिए, क्वार्टाइल हम लोग मतलब चार भागों में जिसको बांटा जाता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले मॉडल सेट में कि Q1 हमारा निकलता कैसे है, तो हम लोग लिखते हैं n+1/4th आइटम, मतलब कि ये फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने का तरीका होता है, हम लोग लिखते हैं ना साइज ऑफ n+1/4th आइटम, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख के कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पर, या तो व्यक्तिगत श्रेणी में या फिर हम लोग खंडित श्रेणी में ऐसा निकालते हैं, ठीक है, और Q3 निकालने का तरीका क्या होता है ये भी समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं आपको आंसर। Q3 निकालने का तरीका होता है कि यही फॉर्मूला आप 3 से गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका n+1/4th आइटम, ठीक है, ठीक है, 3 से मल्टीपल होते हुए, तो इस तरीके से आपने Q1 और Q3 को समझ लिया है। Q2 नहीं निकाला जाता है क्योंकि Q2 का मतलब होता है मीडियन, मध्य का, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि क्वार्टाइल में चार चार से भाग किया जाता है, अगर मीडियन रहता है तो यहाँ पर दो दो से भाग होगा, सिंपल से बात, ठीक है, और 3 यहाँ पर गुना नहीं होगा उस टाइम। चलिए अब यहाँ पर क्या समझ चुके हैं आप कि क्वार्टाइल Q1 और Q3 कैसे निकलता है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने का तरीका ये है, थर्ड क्वार्टाइल निकालने का तरीका ये है, कहाँ पर, व्यक्तिगत श्रेणी में और आप समझ लीजिए खंडित श्रेणी में, ठीक है, Q1 Q3 व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में इसी तरह से निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, क्वार्टाइल डेविएशन का सूत्र क्या होता है, आप यहाँ पर देखें तो दोनों क्वार्टाइल के बीच का अंतर लिया जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो क्वार्टाइल डेविएशन कह रहा है, हाँ बिल्कुल, ठीक है,
और ये जो है ना ये कहलाता है कोफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, ये क्या है, ये है कोफिशियंट, हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, कोफिशियंट किसका, क्वार्टाइल डेविएशन का ये कोफिशियंट होता है, Q3 माइनस में क्या Q1, और नीचे में वही वाला फॉर्मूला सिर्फ प्लस में आ जाता है, और ये आपका क्या है, सही जवाब है क्वार्टाइल डेविएशन के लिए ऑप्शन आपका जो है वो तीसरा सही हो जाएगा, सॉरी डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा यहाँ पर देख लो जो L माइनस S लिखा हुआ है ये रेंज है, रेंज जिसको हम प्रास कहते हैं या विस्तार कहते हैं, तो ये L माइनस S जो है ध्यान रखना ये कहलाता है रेंज, यानी कि रेंज मतलब देखो रेंज का फॉर्मूला हो जाता है क्या आपका L माइनस S, L का मतलब है जहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू और S का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन संख्या 11 पर आ चुके हैं, 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इन बेस ईयर। अच्छा बेस ईयर का जो मान होता है ना वो 100 होता है, आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है तो 100 होता है, ध्यान रखिएगा आधार वर्ष में, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आधार वर्ष के सूचकांक का मूल्य कितना होता है, 100 होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, क्वेश्चन संख्या 12। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेट थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखो कह रहा है कि इफ़ द मीन इतना इतना का, अच्छा मीन यहाँ पर दिया हुआ देखो, ठीक है क्या कह रहा है कि इतनी इतनी संख्याएं हैं, बीच में एक एक्स जो है गायब कर दिया है, तो उसी एक्स का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हिंदी में लिखा हुआ है कि यदि 40, 50, 78 यानी कि 78, फिर जो है 58 और इस सब का जो है वो समांतर माध्य 56.2 दिया हुआ है, तो x का मान बदलाइए कितना होगा, तो आप आसानी से कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, x बार आपको ध्यान रखना होगा केवल। रुको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर ही देते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स का शिकायत आ सकता है कि सर आपने बताया नहीं है, है ना इस तरह के फॉर्मूले जो है वो क्वेश्चन। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले आप समझिए कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ था। ठीक है, तो वैल्यू आपको हम नोट कर देते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ था, सबसे पहले क्या था आपका 40, ठीक है, फिर कितना था 50 ना, और फिर x था मुझे याद आ रहा है, उसके बाद कितना 78 था, 78 के बाद कितना था 58 था, हाँ याद आ गया, चलिए हो गया काम। तो यहाँ पर इतना जो है वो हमने नोट कर दिया, अब हमें क्या करना है यहाँ पर सिग्मा निकालना, पहले सिग्मा एक्स निकालते समय एक्स को अभी जोड़ना नहीं है, बाद में जोड़ेंगे, सबसे पहले जो संख्याएं हैं उसको जोड़िए, तो 8 और 8 हो गया 16, 16 क्या हो जाएगा यहाँ पर इकाई स्थान पर 6, फिर आप जोड़िए यहाँ पर 4 और 5 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 और 5 21 हो जाएगा ना, 21 और एक यहाँ पर जो बाकी था 22 यानी कि 226 हो गया। अब क्या करना है 226 आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, 226 प्लस में क्या हो जाएगा x, चूंकि x का भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा इसलिए प्लस में x अलग से रख दिया हमने। ठीक है, अब देखो हमें अब क्या करना है, हमें जो है वो अब पता है वैल्यू x बार जो है वो दिया हुआ था, x बार यानी कि माध्य दिया हुआ था कितना 56.2 दिया हुआ था, और माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है एक बार हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। ठीक है, माध्य कैसे निकाला जाता है, तो देखो अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका होता है, एक्स बार हम लोग लिखते हैं, फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो एक्स बार है उसका वैल्यू तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए फॉर्मूला में 56.2 इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ, देखो यहाँ पर कैलकुलेट जो हमने किया हुआ था वो आ गया है 226 प्लस में एक्स, और डिवाइडेड कितने से करोगे आप ध्यान दो, n यहाँ पर लिखा हुआ है, n का मतलब कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ से आप 5 से डिवाइड कर देना, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो 56.2 को अगर 5 से गुना करते हैं ना, तो 56.2 को गुना करोगे अगर 5 से तो 281 आ जाता है, हमने कैलकुलेट किया हुआ था इसलिए कह रहे हैं आपको। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 226, ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा x हो जाएगा 226 प्लस x। अब आगे क्या करना है, थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब आगे क्या करना है यहाँ पर जो 281 है ना इसको आप रहने दीजिए इधर, और बराबर के इधर लाएंगे इसको 226 को, तो माइनस में आ जाएगा 226 इक्वल टू कितना हो जाएगा केवल x,
तो 226 को जो है ना घटा दीजिए 281 में से, तो कितना आ जाएगा? 281 में से 226 को घटाएंगे तो यहाँ पर 11 में से 6 यानी कि 5 55 आ जाएगा। ठीक है, 55। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो x का वैल्यू है वो कितना है, 55 है। अब देखना होगा कि ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। देखो हमने कैलकुलेट जो किया है उसका प्रोसेस यही है। अब देखिए यहाँ पर हम मिलाते हैं ऑप्शन, ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। 55 आया था आंसर ना, 55 हाँ दिया हुआ है। देखो यहाँ पर 55 ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ठीक है, पहले ऑप्शन में। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 13वें में कह रहा है कि प्राइमरी डेटा आर, मतलब कि जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो किस तरह के होते हैं। प्राइमरी जो डेटा होता है ये पब्लिश डेटा होता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, पब्लिश डेटा जितना भी होता है ये सेकेंडरी डेटा कहलाता है, द्वितीयक आंकड़ा कहलाता है, सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। ठीक है, पब्लिश डेटा जितने भी होंगे वो सेकेंडरी डेटा होंगे। डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर, बिल्कुल, या फिर इन्वेस्टिगेटर, मतलब कि मान लो कि हम डेटा को कलेक्ट करके ला रहे हैं तो वो हमारा क्या है, प्राइमरी डेटा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। प्राइमरी डेटा जो होता है वो रिसर्चर के द्वारा या फिर इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है पहली रूप और बिल्कुल शुद्ध रूप में। तो ये बहुत विश्वसनीय आंकड़ा भी होता है प्राइमरी डेटा, और सेकेंडरी डेटा उतने ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होते हैं क्योंकि ये पब्लिश डेटा होता है, क्या पता उसने क्या गड़बड़ी किया, क्या सही किया है ना। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफ, यानी कि जो निम्न में से यहाँ पर किसका निर्धारण रेखा चित्र के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग अर्थमेटिक मीन यानी कि माध्य का जो है गणना नहीं कर सकते हैं, बाकी आपको पता ही है सारा चीज़ हम लोग रेखा चित्र की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 क्या कह रहा है कि हुज फॉर्मूला इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अच्छा ठीक है, किनके सूत्र को है ना, किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है। तुम लोग जानते हैं नाम ही इनमें लगा हुआ है, फीसर का आइडियल इंडेक्स, हम लोग ऐसा ही बोलते हैं ना, फीसर का आइडियल इंडेक्स। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सूत्र जो है वो इनका क्या होता है ध्यान रखना होगा, क्योंकि फीसर का सूत्र थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, तीनों सूत्र लिख देते हैं हम। ठीक है, तीनों फॉर्मूला को हम नोट कर देते हैं पासे का भी है ना। देखो पहला हम जो है वो सूत्र लिख दे रहे हैं पासे का, ठीक है, पासे का सूत्र, ठीक है, पासे का सूचकांक, सूचकांक या निर्देशांक जो भी बोले, पासे का इंडेक्स नंबर कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं P01 लिख करके, और देखो यहाँ पर सॉरी एग्रीगेटिव होता है ये, यहाँ पर सिग्मा P1 अपॉन क्या करेंगे, सिग्मा P0, ये तो लिखने का तरीका होता ही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो पासे हैं उन्होंने क्या अलग किया है, तो यहाँ पर Q1 रखा है और नीचे में भी Q1 रखा है जिसको हम आधार वर्ष की मात्रा कहते हैं, और फिर यहाँ पर चूँकि मल्टीपल हो जाएगा आपका 100। ठीक है, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमें जो है वो दूसरा सूत्र जानना है, और दूसरा सूत्र हम ले रहे हैं मान लो कि यहाँ पर लेस्पियर का, लेस्पियर कैसे लिखाएगा, लेस्पियर, ठीक है, पियर लिखाता है लेस्पियर, सूचकांक, सूचकांक, चलिए हो गया है। अब यहाँ पर देखिए P01 इक्वल टू क्या हो जाता है, तो सिग्मा P1 बाय P0, अभी इसको स्क्रीनशॉट मार लेना जैसे हो जाएगा वैसे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमें क्या करना है, देखिए इन्होंने आधार वर्ष की मात्रा को लिया था पासे ने, यानी कि पासे ने एकक जो है वो नंबर देके समझो तो पास कर दिया था। लेकिन देखो लेस्पियर के सूत्र में क्या यहाँ पर अलग है, सो लेस्पियर क्या करते हैं यहाँ पर Q0 रख देते हैं और यहाँ पर भी Q0 रख देते हैं। Q0 का मतलब है आधार वर्ष की मात्रा, और यहाँ पर देखो ये जो Q1 है, Q1 को हमने गलती बोल दिया था उस टाइम क्या, तो Q1 है, इसका मतलब चालू वर्ष की मात्रा है। ठीक है, और यहाँ पर Q0 मतलब आधार वर्ष की मात्रा है, और यहाँ पर 100 से गुना फिर से हम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों सूत्र समझ में आ गया होगा। तीसरा जो सूत्र है जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, फीसर का आइडियल इंडेक्स, ठीक है, तो केवल हम फीसर लिख देते हैं, बार बार सूचक नहीं लिखेंगे। अब देखो फीसर जो है वो यहाँ पर हम लिख दिए, और फीसर ने क्या दिया था, प्राइस इंडेक्स, यहाँ पर P01 हमने लिख दिया है।
लेकिन इन्होंने रूट ओवर कर दिया था दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही चीज़ों का मतलब लेस पेयर को भी और पासे को भी। अब दोनों सूत्र तो लिखे हुए हैं लेकिन फिर भी हम आपको जो है एक बार इन सूत्र को खोल देते हैं। एक बार यहाँ से देखो हमें कैसे लिखना है, तो हमें लिखना है P01 यहाँ पर अथवा में कर देते हैं। और जैसे कि आपको पता है लेस पेयर क्या किए थे, लेस पेयर ने क्या किया था भाई, आपको याद होगा लेस पेयर जो है 00 दे रहे थे, तो यहाँ पर तो P1/P0 ये तो रहेगा ही, P1/P0 और यहाँ पर क्या था Q0 और नीचे में भी था Q0, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पासे ने क्या किया था, पास कर दिया था, तो हम लिखेंगे σP1/σP0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Q1 और नीचे में भी हो जाएगा आपका Q1। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जब भी हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो 100 से मल्टीपल जरूर करते हैं, तो यहाँ पर 100 से आप मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है काम करने हैं। इन तीनों सूत्र को आप जो है नोट कर लीजिए या फिर आप अभी स्क्रीनशॉट कर लो, हमने आपको एक बार फिर से दिखा दिया है, या फिर इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लो, यहाँ से आपके क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है, सेम टू सेम। अब देखिए हम यहाँ पर जा रहे हैं क्वेश्चन संख्या, देखें आगे अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। फिशर का आइडियल इंडेक्स आपको पता चल चुका है। क्वेश्चन संख्या 16 क्या कह रहा है, 16वें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ गुड एवरेज इज, मतलब कि एक अच्छे औसत का गुण क्या होता है बताइए। तो एक अच्छे औसत का मतलब क्या है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्टेबल डेफिनेशन होना चाहिए, बिल्कुल सटीक जो है चीज़ें होनी चाहिए, है ना, एक स्पष्ट रूप से और स्थिर परिभाषा होनी चाहिए हर एक चीज़ का। स्टेबिलिटी सॉरी सिंप्लिसिटी मतलब सरलता होनी चाहिए बनाने में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए पहचान करने में। और एब्सोल्यूट नंबर बिल्कुल निरपेक्ष संख्या हो जाना चाहिए, तुलनात्मक रूप से नहीं। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, ये सब सभी गुण होने चाहिए एक अच्छे औसत में। चलो आगे जाते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 17। 17वां जो क्वेश्चन है ना ये कोरिलेशन से संबंधित है, मतलब सहसंबंध से जो है जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इन द फिगर, है ना, डिस्पाइटेड बिलो, मतलब नीचे जो चित्र बना हुआ है इसका बताइए कि सहसंबंध का परिमाण क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है और बिल्कुल सीधी रेखा भी है, तो इसलिए सीधी रेखा भी है और ऊपर से नीचे भी आ रहा है। अगर केवल ऊपर से नीचे आता है टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी हो तब तो ऋणात्मक संबंध बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल सीधा आ रहा है इसलिए इसको हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ध्यान दीजिएगा ऊपर से नीचे जब भी आएगा ऋणात्मक बोलेंगे नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन बिल्कुल सीधा आ जाएगा तो परफेक्ट नेगेटिव बोलते हैं जिसका मान होता है -1, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर इसको स्केटर डायग्राम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है, चित्र का स्केटर डायग्राम नाम है इसका। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 18 कह रहा है कि द फॉर्मूला ऑफ कोफिशियंट ऑफ रेंज, मतलब जो रेंज होता है उसका कोफिशियंट आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो देखो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, रेंज हम लोग निकालते कैसे हैं, पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ लो क्योंकि क्वेश्चन ये पूछता है। L-S, L का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू, S का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से दे दिया है। अब कह रहा है मान लो कि इसका जो है वो क्या निकालिए, रेंज निकालिए या फिर विस्तार निकालिए या फिर प्रास निकालिए, प्रास भी बोलते हैं, तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखो जो हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है ये सबको हम x बोल रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 10, तो 10 को हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, L बोल देंगे, क्या बोलेंगे, L, L का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू। और यहाँ पर जो है 2 सबसे छोटा वैल्यू है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, S, S का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ से आपको ये हैं चीज़ें समझ में आ गया है, तो आप जान चुके हैं L का मतलब कितना है यहाँ पर 10 और S का मतलब कितना है, S का मतलब है यहाँ पर देखो 2, तो आपका जो है 10 में से 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 8। कितना आसान है ना, मतलब कि अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर होता है विस्तार, ठीक है। जैसे हम लोग कपड़ा वगैरह खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को कहते हैं भैया कम से कम जो है ना हमको जो है ना कम से कम 2000 रुपये का कपड़ा दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको 10000 रुपये तक का कपड़ा दिखाइए, ठीक है, मतलब 10000 रुपये तक का चलेगा। अगर हमने ऐसा कह दिया कि 2000 से 10000 तक का हमको दिखा दीजिए तो वो उस हिसाब से फिर दिखाता है। तो यहाँ पर अब देखो रेंज तो निकालना सीख गए, अब कह रहा है कि कोफिशियंट ऑफ रेंज क्या होगा, मतलब कि विस्तार गुणांक का सूत्र क्या निकलेगा। तो देखो गुणांक निकालने का आसान सूत्र होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, है ना, कोफिशियंट, ये देखो ऑप्शन सी में लिखा हुआ भी है,
एल माइनस एस और नीचे में एल प्लस एस, मतलब नीचे में रहता है प्लस और ऊपर में रहता है माइनस, तभी तो ये वैल्यू जो है कोफिशियंट के टर्म में निकलता है, यानी कि जीरो पॉइंट समथिंग समथिंग इसका वैल्यू हमेशा निकलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने एल माइनस एस कर लिया है जो कि 8 आया था, तो हम यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं एल माइनस एस और नीचे में क्या हो जाएगा एल प्लस एस। तो ऊपर में चूंकि एल माइनस एस है जो कि हमने कैलकुलेट कर भी लिया है 8, ठीक है, और नीचे में वही जो 10 और यहाँ पर 2 था उन दोनों को चूंकि यहाँ पर नेगेटिव किया गया, अब देखो पॉजिटिव करने बोल रहे हैं, जोड़ने बोल रहे हैं, तो 10 और 2 दोनों को जोड़ दो 12 हो जाएगा। तो ऊपर में कितना है 8 और नीचे में 4, तो हमें सब पता है ऊपर में छोटा वैल्यू नीचे में बड़ा वैल्यू, समझ में आ गया होगा कि जब भी निकलेगा 0. समथिंग समथिंग निकलेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ रेंज अगर पूछा है तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विस्तार गुणांक निकालने का सही सूत्र है ऑप्शन तीसरा। चलिए आगे बढ़ते आते हैं, यहीं पर देख लो अगला क्वेश्चन दिख भी रहा है, 19 नंबर, कह रहा है कि द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं परमाप विचलन, ठीक है, और परमाप विचलन निकालने का सही सूत्र क्या होता है, ठीक है, सही सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा नाम कई बार पूछ लेता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा नाम है रूट मीन स्क्वायर, क्या बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन, मीन मतलब औसत, रूट मीन स्क्वायर, ये दूसरा नाम है किसका, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। तो ये सही जो है फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसके जरिए हम लोग यहाँ पर ऐसे जो है वो सूत्र को लिखते हैं, मतलब कि ये जो सिग्मा लिखा गया है ये सिग्मा ही है, जो ये 6 की तरह दिख रहा है ये सिग्मा ही है, छोटी सिग्मा, बड़ी सिग्मा ऐसे होता है और छोटी सिग्मा ऐसे होता है, तो ये छोटी सिग्मा है और ये बड़ी सिग्मा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल, ठीक है, सिंबल है ये। चलो और ये क्या है रूट, देखो रूट निकल गया और इन दोनों का एवरेज यानी कि औसत, तो इसीलिए बोला गया है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, तो रूट लगा हुआ भी है और इन दोनों का डेविएशन का हम लोग क्या निकालते हैं मीन निकालते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन पता चल चुका है डी आपका सही जवाब हो जाएगा, परमाप विचलन निकालने का सूत्र। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन संख्या 20 में क्या कह रहा है, डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु टोल्ड, किसने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ऐसा कहा था एडम स्मिथ ने, जिनको हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, एडम स्मिथ ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र के जनक हैं, और इन्होंने 1776 में किताब लिखा था अपना, और वो किताब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस, और एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इनकी इनका जो जन्म है वो 1723 में हुआ था, कब हुआ था 1723 में, और इनकी मृत्यु 1790 में हो गई थी, और इनका किताब कब छपा था 1776 ईस्वी में, यानी कि 52-53 साल के आसपास कह सकते हैं आप जब ये थे, तो इनका बुक आया था वेल्थ ऑफ नेशंस जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। चलिए उसी किताब में इन्होंने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अब जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन संख्या 21 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 21 कह रहा है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज, मतलब कि जब हम लोग आंकड़ों को चित्र के तरीके से दिखाते हैं, चित्र में दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन होता है ना, और चित्र से दिखाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति समझ सकता है चीज़ों को। देखो चित्र देखना हर एक कोई पसंद करता है ना, तो यहाँ पर जो है वो समझ चुके होंगे। अब अगला जो है वो यहाँ पर देखो 22 नंबर में क्या है, कैलकुलेट रेंज, रेंज को निकालना है यानी कि विस्तार को निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर हमने आपको सिखा दिया है रेंज निकालने का तरीका क्या होता है। तो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी डेटा दिए रहते हैं इनमें से छांट लीजिए कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे छोटा संख्या कौन है। तो सबसे बड़ा संख्या दिख रहा है कितना 81, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे L बोल देंगे, इसको नाम क्या दे देंगे L, L का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर देखो इनमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 35 है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा S हो जाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर निकालो, यही तो रेंज हो जाता है ना, मैंने समझा दिया आपको। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला L माइनस S, L का मतलब कितना है 81 और S का मतलब कितना है यहाँ पे 35, तो दोनों के बीच का अंतर कितना निकल जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना हो जाना चाहिए भैया, कितना होगा ये, कितना होना चाहिए इसका जवाब, 81 है माइनस 35 यानी कि यहाँ है ना 11 में से 5, तो यहाँ 6 आ जाएगा
और यहाँ पर है सात, सात में से तीन तो आ जाएगा चार, बिल्कुल सही। ठीक है, मेरा भी जोड़ घटा उतना ही है। चलिए आगे देखते हैं। हमें जो है ना इस तरह से कैलकुलेट करने में अच्छा लगता है, ताकि आपको समझ में भी आता है चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं कि सॉरी वही वाला है ना क्वेश्चन, आगे बढ़ा लेते हैं इसको। इसका तो जवाब पता चल चुका है 46 है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। विस्तार निकालने के लिए आपको मैंने तरीका बता दिया। आगे देखिए क्वेश्चन संख्या आपका जो है वो 23 है। 23 क्या कह रहा है कि द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ पाई चार्ट इज 36 डिग्री। इसमें सोचने वाली क्या बात है, जो चित्र होता है विड्थ हम लोग जो बनाते हैं, विड्थ ये जो है इसके सेंटर पर जो पॉइंट होता है ये कितने डिग्री का कुल टोटल कोण बनाता है, तो 360 डिग्री का, यानी कि किसी वृत्त है ना, किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है तो 360 डिग्री का होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है ना। चलो यहाँ पर जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 24 कह रहा है कि हिस्टोग्राम इज अ, तो हिस्टोग्राम क्या होता है, वन डायमेंशनल नहीं टू डायमेंशनल होता है। ठीक है, द्विविमीय आरेख बोलते हैं इसको, यानी कि टू डायमेंशनल, यानी कि 2D इसको बोलते हैं, 3D नहीं है। हिस्टोग्राम होता कैसे है आपको दिखा देते हैं। हिस्टोग्राम का मतलब होता है आयत चित्र, यहाँ पर देखो लिखा भी है आयत चित्र, तो ऐसे होता है। यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं और इधर जो है वो CI का मतलब क्लास इंटरवल इधर लिखते हैं। तो मान लो 0 से 10, ठीक है, फिर 10 से यहाँ पर मान लो 20, 20 से 30 इतना ही लेते हैं। देखिए अगर मान लो 0 से 10 के बीच का फ्रीक्वेंसी मान लो कहीं इधर दिखाया जा रहा है, ठीक है, फिर जो है वो यहाँ पर 10 से 20 का जो है थोड़ा सा बड़ा दिखाया जा रहा मान लो, और इसी तरीके से हम सीधा नहीं बना पाएंगे यहाँ पे, और फिर जो है वो यहाँ पर 20 से 30 का मान लो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो चित्र बनता है इसी बोलते हैं दरअसल आयत चित्र। ठीक है, यही है आयत चित्र, जिसको अंग्रेजी में हिस्टोग्राम कहते हैं, और इसके हेल्प से ही हम लोग मोड वगैरह पता करते हैं, मीडियन वगैरह पता करते हैं। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 25 में क्या कह रहा है। 25 में कह रहा है कि कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी कि इस आंकड़े से आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको निकाल लेना है कि माध्यिका कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो माध्यिका यानी कि मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दिए हुए आंकड़ों को सजाना पड़ता है। ठीक है, पहले आपको सजाना होगा, लेकिन यहाँ पर देख लेना एक बार चेक करके, सजाया तो नहीं है 90, 100, 110, 120, ये तो सजाया हुआ डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो सजाया हुआ डेटा है, तो यहाँ पर मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, सिर्फ हम आपको ये समझा देते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं M, और यहाँ पर क्या लिखेंगे साइज। ठीक है, साइज ऑफ, अब चूंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हर एक संख्या केवल एक एक बार आया है, इसीलिए इसको हम व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया N+1/12th item। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को आपको यूज करना है। अब यहाँ से जो है ना कैलकुलेट आप कैसे करोगे बताते हैं। देखिए आपने जो है साइज ऑफ कर लिया है, एन का मतलब आपको कितना कैलकुलेट करना होगा, एन का मतलब कितना रखना होगा, तो देखो यहाँ पर काउंट करो सबसे पहले कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। तो 9 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर एन के जगह पर आप 9 पुट कर लेना। 9 प्लस क्या करना है 1/2, 9 प्लस 1/2 का मतलब कितना है 5th item। ठीक है, समझने के लिए मैंने बता दिया 5th item जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि जो हमारा मीडियन हो जाएगा वो कितना होगा 130 हो जाएगा। 130 कितना हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा ये हमारा 130। समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है आपको मीडियन कैलकुलेट करना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन हमने चूंकि कर लिया है, तो अब आ रहा है सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन संख्या 26 है, यहाँ पर शुरू हो रहा है, कह रहा है क्या कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्लूड्स, जो हरित क्रांति भारत के अंदर में आई थी उसमें क्या क्या सम्मिलित था बताइए। तो HYV सीड्स, मतलब कि जो हाई यील्ड वेराइटी सीड्स होते हैं, है ना, अच्छे किस्म के बीज, या फिर कह लीजिए जो हम लोग हाइब्रिड समझते हैं बीज, उसकी बात कर रहे हैं। फिर है मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल है ना, कृषि में अंतरीकरण भी किया गया था जिससे कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके बहुत तेजी के साथ।
रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग यूज करना शुरू कर दिए, जैविक कृषि छोड़ करके हम लोग सीधा जो वो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके हम लोग हरित क्रांति को जो है बढ़ावा उस समय उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है वो देने लगे थे महत्व ज़्यादा। लेकिन इसका जो है परिणाम आज देखने को लोगों को मिल रहा है, कैंसर के पेशेंट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चूँकि केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वगैरह यूज करने से हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उसकी क्वालिटी घटिया किस्म की हो जा रही है, स्वाद तक नहीं बच रहा है सब्जियों में, है ना, खान पान वाली चीज़ों में स्वाद नहीं बच रहा है। और इसके चलते जो है हम हिंसक भी होते जा रहे हैं, हम मुर्गियों को या फिर बकरे को काटते जा रहे हैं अनाप शनाप, उनकी गिनती हम देख भी नहीं रहे हैं कि क्या हो रही है, दीन दशा नहीं हो रही है, इंजेक्शंस भी देने पड़ रहे हैं उन सारे जीवों को, सोचिए तो, है ना। मतलब हम अपने व्यवसाय को इस ऊपर इतने ऊपर तक लेकर जा चुके हैं जिसमें कि हम लोगों के बारे में सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए कभी और भी मुद्दे पर बात करें, अभी हम लोगों को हल कर लेने हैं सारे क्वेश्चंस। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि इस टाइम यानी कि हरित क्रांति के समय में बीजों का जो है बेहतर किस्म लगाया गया जिसको हम हाइब्रिड बीज कहते हैं, साथ साथ में अंतरीकरण किया गया यानी कि मशीनीकरण और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा था हरित क्रांति के दौरान। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 27 क्या कह रहा है कि वेन वाज फेमा एजुकेटेड, मतलब कि जो फेमा है, फेमा का फुल फॉर्म पहले आप समझो, फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। क्या कह रहे हैं, फेमा का जो वो फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। और कह रहा है क्या कि इसका जो वो एग्जीक्यूटेड कब हुआ था, यानी कि जो फेमा है वो कब लागू हुआ था, तो फेमा लागू हुआ था 1 जून 2000 ईस्वी में, ठीक है, 1 जून 2000 ईस्वी में। कितना चिपका चिपका लिखा हुआ दिखता भी नहीं है स्पष्ट। आगे जाते हैं अब हम लोग क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 28 क्या कह रहा है कि विथ विच पॉवर्टी है ना इज डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटेड विथ, मतलब कि जो किस प्रकार की गरीबी है या निर्धनता है ना, किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है, तो निरपेक्ष गरीबी होगा, है ना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, क्योंकि सापेक्ष गरीबी में सबको ही आ जाते हैं, तुलनात्मक गरीबी जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि अंबानी भी कहेंगे कि हम भी गरीब हैं बिल गेट्स की तुलना में, तो वो रिलेटिव पॉवर्टी बता रहे हैं यानी कि सापेक्ष गरीबी। हमें जो है निरपेक्ष गरीबी की जानकारी लेनी है, जो वास्तव में गरीब होते हैं उसको निरपेक्ष गरीबी कहते हैं, ठीक है, जिसके लिए गरीबी रेखा की धारणा विकसित हुआ है। यहाँ पे आइए क्वेश्चन संख्या अब 29 जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है। कह रहा है क्या कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, मतलब जो भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था कब किया गया था बताइए। तो भारत में नई आर्थिक सुधार की हम लोग बात करते हैं 1991 की बात करते हैं, ठीक है, 1991 में LPG का कंसेप्ट जो है उस देश के अंदर में एडप्ट किया गया, LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण, इसको जो है वो 1991 में देने वाले कौन थे, तो जनक माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एम सिंह हमने लिख दिया, मनमोहन सिंह, इनका जो है वो बहुत बड़ा योगदान रहा है इस नई आर्थिक नीति को लाने में, क्योंकि ये देश के लिए जो है ना एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी जानकारी थी इनको, थी नहीं है, ठीक है, अभी भी हैं ये। यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या 30 में क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज खालिस्तान, यहाँ पर फार्मिंग सिस्टम, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैविक कृषि का मतलब एक प्रकार की टिकाऊ कृषि, धारणीय कृषि, सतत कृषि आप कह सकते हैं, तो जैविक कृषि एक धारणीय कृषि है या फिर टिकाऊ कृषि है जिसमें कि हम भूमि की उपजाऊ शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह यूज करने से ना, केमिकल फर्टिलाइजर जब हम लोग हरित क्रांति के दौरान यूज किए तो भूमि की उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे छिन्न हो जाती है, और छिन्न होने से क्या होगा, फिर आपको उत्पादन अच्छे स्तर का नहीं मिलेगा, और उसके लिए फिर से हमें जो है वो कहीं ना कहीं बरकरार बनाए रखने के लिए हमें गोबर वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है या फिर हरी खाद कंपोस्ट वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जैविक कृषि में हम अच्छे गुण का फसल ले पाते हैं, इसके पीछे का रीज़न है कि हम उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल में नहीं लाते जैविक कृषि के दौरान। और जैविक कृषि करने वाला जो पहला राज्य है ये कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य कौन है भारत में, ठीक है, 2016 में हिंट कर दिया मैंने, 2016 में जो वो घोषित किया गया था,
कृषि जैविक कृषि करने वाला सबसे पहला राज्य देश का कौन सा है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। क्वेश्चन संख्या 30 ध्यान रख लो, क्वेश्चन नंबर मेंशन करना, क्वेश्चन नंबर मेंशन करने के साथ उसमें बता देना कि जैविक कृषि करने वाला जो है सबसे पहला राज्य कौन घोषित किया गया। यहाँ पर देखो 31 में क्या कह रहे हैं, 31वें नंबर में कह रहे हैं कि टू विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, हेल्थ इज रिलेटेड, मतलब कि स्वास्थ्य जो क्षेत्र है वो किस आधारिक संरचना का अंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं दो तरह का होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बताइए कि हेल्थ जो होता है वो सोशल में जाएगा यानी कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा या फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक अवसंरचना होता है ये। अगला बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या हमारा है 32, 32वें नंबर में क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया गिव द फुल फॉर्म ऑफ LPG। LPG का तो मैंने फुल फॉर्म बता दिया ना अभी जस्ट, LPG का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और ये कब की नीति है, 1991 की नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। देखो उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार ने टैक्स को जो है वो कम कर दिया, जिसकी वजह से उद्योगों को एक प्रकार से मोटिवेशन मिला या फिर उद्यमियों को प्रोत्साहन मिला, है ना, काम करने के लिए या फिर उत्पादन बढ़ाने के लिए। निजीकरण करने का मतलब है सरकार जब अपनी परिसंपत्तियों को यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को अपने अंडर नहीं चला पाती है तो प्राइवेट के हाथों में सौंपती है, ठीक है। इसी प्रकार से है वैश्वीकरण, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, और इससे क्या होता है देश की अर्थव्यवस्था को खुला रखा जाता है, जिसमें कि हम दूसरे देशों से आयात निर्यात कर सकें, और विशेष करके उस टाइम उस इसके जो है वो आयात निर्यात की गई जो कि देश के लिए जो है वो पूंजी बन सकती थी, मतलब कैपिटल जनरेट करता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग 33वें नंबर क्वेश्चन पर, कह रहे हैं कि टू विच, है ना, टू विच सेक्टर होगा, यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, रेक्टर लिखा गया है, टू विच सेक्टर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड, मतलब कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कृषि क्षेत्र जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग जानते हैं खनन उत्खनन भी इसमें शामिल करते हैं, मुर्गी पालन, बतख पालन, है ना, पशुपालन, सब इसी में डालते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 34 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वॉज नॉट एक्सपोर्टेड फेरियर टू इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था। तो इंजीनियरिंग वस्तु का, है ना, इंजीनियरिंग गुड्स का जो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते थे स्वतंत्रता से पहले, बाद में हम लोग अब सॉफ्टवेयर वगैरह भी जो है वो डेवलप करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्या है 35 में कि इन विच ईयर द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया वाज अनाउंस। देखो पहली जो औद्योगिक नीति है भारत का, है ना, भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, तो 1948 को किया गया था। कब किया गया था, 1948 में पहली औद्योगिक नीति घोषणा किया गया था, और 1948 की पहली औद्योगिक नीति में ही सरकार ने मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट को एडॉप्ट किया भारत में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट कह लीजिए कि कब लागू हुआ देश में, जब देश के अंदर में ये बात आ गया कि कुछ उद्योग धंधे जो है वो निजी क्षेत्र चला सकते हैं और कुछ उद्योग धंधे सरकार चलाएगी, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था फिर मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब कंट्रोल जो है वो दोनों का होता है, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्रोल दोनों का होता है, है ना, प्राइवेट का भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट यानी कि निजी क्षेत्र का भी और फिर सार्वजनिक क्षेत्र का भी, जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, मतलब कि दोनों यहाँ पर मिलकर के देश की आर्थिक तरक्की के लिए अलग अलग उद्देश्यों से कार्य करते हैं। एक तरफ जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर होता है वो अपना चाहता है इंडिविजुअल प्रॉफिट यानी कि व्यक्तिगत लाभ, और वहीं पर जो पब्लिक सेक्टर होता है वो चाहता है सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट क्या चाहती है, आर्थिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, है ना, सोशल वेलफेयर चाहती है। तो दोनों मोटिव यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में पूरा हो रहा होता है और दोनों जो है वो कार्य करते हैं अलग अलग उद्देश्यों से अलग अलग तरीके से। यहाँ पर ध्यान दीजिए अब 36 में क्या कह रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्स, मतलब कि मानवीय संसाधनों के विकास के लिए क्या जरूरी होता है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, प्रशिक्षण का, देख लीजिए कहाँ पर है, केवल शिक्षा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी में, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पर 37 में, 37 में क्या कह रहा है कि हाउ मच, है ना, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री गेट्स लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। अच्छा, देश की लगभग कितनी आबादी जो है कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है, तो दो तिहाई, है ना,
2/3 जो पार्ट होता है, 2/3 आबादी जो है आज हमारे देश की जनसंख्या जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि चीन से भी आगे निकल गया है, 143 करोड़ के आसपास समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 1/3 पॉपुलेशन जो हमारा है कंट्री का वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 38 में क्या कह रहा है कि कंट्री हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, लोगों बात आ गया अभी जस्ट बात करते ही हैं, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार तो चीन होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत को आप नहीं लगा सकते, पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चीन होगा। ठीक है, और कहेंगे सर एग्जाम में कैसे लगाएंगे, अगर एग्जाम में आ गया तो देखो थोड़ा सा ये जो है ना कह सकते हैं ये क्वेश्चन जो बन जाता है कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो हालांकि नहीं पूछे जाने चाहिए अभी के समय में, क्योंकि अभी जो डेटा है वो फाइनल डेटा नहीं आया है इंडिया का, अभी अनुमानित रूप से चीज़ें बताई जा रही है, तो अभी भी इंडिया को हम लोग जो वो सेकेंड स्टेज पर ही रखेंगे। ठीक है, इस मामले में चलिए अनुमानित रूप से अगर कहा जाएगा तो पहले स्थान पर आ जाएगा। फिर ठीक है, यहाँ पर देखो 39 में क्या है, अंत्योदय अन्न योजना, AAY का मतलब यही होता है, मैंने कह दिया पहले ही, दरअसल बोला गया है ना, बोलना नहीं चाह रहे थे बट बोला गया अंत्योदय अन्न योजना, जैसे हम देखते हैं ना AAY तो बोल देते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है आपका अंत्योदय अन्न योजना, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर जनरली फंड एज, अच्छा ठीक है सॉरी फाउंड एज, दिख भी नहीं रहे भाई, पढ़ भी नहीं पा रहे, दिखा नहीं, चश्मे से भी काम नहीं कर रहा। देखो कह रहे हैं कि यहाँ पर स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल, ठीक है, यानी कि पूंजी की कमी, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस यानी कि तकनीकी रूप से पिछड़ापन, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी सामान्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, इस तरह की बात विशेषता किस देश का होगा बताइए? तो वो देश जिसको हम लोग अंडर डेवलप कहते हैं, यानी कि हम जिसे अल्प विकसित देश कहते हैं, विकासशील देश कहते हैं, भारत भी तो अल्प विकसित देश है, विकासशील देशों की लिस्ट में आता है भारत, ठीक है, अल्प विकसित कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर जो है तकनीकी पिछड़ापन भी होता है, पूंजी की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, प्रति व्यक्ति आय कम रहता है, जनसंख्या ज़्यादा रहती है ना, इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हैं भारत के संदर्भ में। यहाँ पर देखो 41 क्या कह रहा है, 41 में कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि SDI इज एन इंडिकेशन ऑफ, तो ये सोशल इंडिकेशन है, सोशल पैरामीटर से ध्यान रखिएगा, यानी कि मानव विकास सूचकांक जिसको हम SDI कहते हैं, जिसका सबसे पहले रिपोर्ट आया था 1990 में, UNDP द्वारा जो है वो इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 1990 में ही सबसे पहले SDI का जो है वो रैंक जारी किया गया था। इसी आधार पर हम बताते हैं कि कौन सा देश ने जो है वो मानवीय रूप से ज़्यादा विकसित किया है, यानी कि उसके वास्तविक स्थितियाँ क्या हैं देश की, है ना। तो SDI को विकसित करने वाले कौन थे इसको ध्यान रखिएगा, SDI को विकसित किसने किया था, महबूब उल हक, ठीक है, नाम इनका है महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, महबूब उल हक इन्होंने जो है SDI को विकसित किया हुआ था। और इनके साथ में आप एक और नाम ले सकते हैं, ठीक है, जिनका नाम है, आप या नहीं लगा सकते है ना, बल्कि दोनों मिल करके काम किए हुए थे, योगदान उनका भी था, भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, इन दोनों ने मिल करके जो है SDI को विकसित किया हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन संख्या कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 42 हो जाएगा ना, 42 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ दिज इज अ पुअर स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि निम्न में से कौन राज्य जो है वो निर्धन राज्य है भारत का बताइए, तो भारत का निर्धन राज्य है बिहार, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कह रहा है कि व्हेन वाज नीति आयोग कंस्टिट्यूटेड, नीति आयोग पता है आपको, पहले योजना आयोग चलता था देश में, जो कि देश के अंदर पंचवर्षीय योजना बनाने का काम करता था, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना जब 2012 से लेकर के 2017 तक चलना था, उसी बीच में चूंकि चुनाव हुआ है आपको पता है 2014 में, और हमारे जो प्रधानमंत्री बन गए वो बन गए नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि अब जो है हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है वो हम यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं, चूँकि आपको पता होगा योजना आयोग हो या फिर नीति आयोग हो तो अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं,
ठीक है, इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है आपसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नोट कर लो इसको कॉपी में, हम बोल रहे हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं तो वही होंगे। तो यहाँ पर 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चलना था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 12वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखना भी बहुत आसान है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से शुरू हुआ था और 2017 तक चला। 12वीं देखो शुरू हुआ है तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला। यह आखिरी पंचवर्षीय योजना है जो कि योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया योजना है। लेकिन बीच में ही चूंकि अब सरकार चेंज हुई, मूड भी चेंज हो गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हो गया। तो नीति आयोग का गठन पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 में। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि 15 मार्च 1950 में जो है ना योजना आयोग का गठन हुआ था। आप ध्यान रख लीजिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, योजना आयोग का गठन। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए या फिर क्वेश्चन पर, सॉरी कॉपी पर नोट कर लीजिए। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। मैंने आपको समझा दिया जितनी भी चीज़ें बतानी थी। यहाँ पर आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 44 पर। 44वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एडवर्स इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी कि जब यहाँ पर कह सकते हैं उदारीकरण हुआ तो उसका ऋणात्मक प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव क्या रहा। तो जानते हैं लिबरलाइजेशन किस पर इसका जो काम करता है, उद्योग धंधों पर। चूँकि लिबरलाइजेशन सरकार ने जो किया था वो उद्योग धंधे के जो मामले हैं कह सकते हैं, या फिर जो उद्योगपति हैं देश को, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि देश के लोग जो है एग्रीकल्चर से उठ करके सीधा जाने की कोशिश करेंगे किधर, उद्योग की तरफ, उद्योग की तरफ। तो वैसे में कृषि जो है संकट तो पैदा होगा ही, एग्रीकल्चरल क्राइसिस आएगा ही। दूसरी बात क्या है कि हमारे देश के अंदर में अगर वैसा जो है काम होने लगे जहां पर सरकार ने बिल्कुल जो वो छूट दे रखा, उदारीकरण की अभी प्रोसेस अपना लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में इनकम की जो है डिस्पैरिटी आ जाएगी, इनकम इनइक्वालिटी आ जाएगी, आय की असमानता जो है ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें और भी क्या है, अनफेवरेबल इफेक्ट ऑफ स्केल, यहाँ पर स्मॉल स्केल अंडर, यहाँ पर अंडर स्टोरेज क्या कह रहा है, हाँ लघु उद्योगों का जो है ना, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बात सही है, जो छोटे उद्योग होंगे उस पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही टैक्स में छूट दे रखा है। तो इनमें से सभी जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब सभी चीज़ों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है लिबरलाइजेशन का। आगे देख लो क्वेश्चन संख्या, यहाँ पर आ गए हैं 45 पर। 45वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनरेगा इज रिलेटेड टू, देखो मनरेगा का पहले नाम क्या था, नरेगा, केवल NREG ये पहले नाम था नरेगा, फिर M जोड़ दिया गया महात्मा गांधी के नाम पर, तो पूरा नाम क्या हो गया, मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, हमने बता दिया फुल फॉर्म, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार, है ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, अब ये कह लीजिए। तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये रिलेटेड किससे है, रोजगार से संबंधित है, विशेष करके ग्रामीण रोजगार से, जिसमें कि कम से कम जो अकुशल श्रमिक हैं, जो शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए और जिसके कारण वो बेरोजगार हैं अब, और वो अगर जो है वो कह सकते हैं कि योग्य हैं, ठीक है, काम करने की योग्य हैं, काम करने की इच्छुक भी हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर पर उनको जो है वो 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है, जिसके लिए मनरेगा का एक कार्ड बनता है। और फिर आपको पूरे साल भर में, यानी कि 365 दिन के अंदर आप कह सकते हैं, चूँकि लीप वर्ष भी तो होता है, तो इसलिए पूरे साल भर में आप कह सकते हैं 100 दिनों की कार्य की गारंटी 100% है जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर दे रही है। नहीं, यानी कि रोजगार उपलब्ध होने पर आपको कुछ दैनिक भत्ता भी देती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो रोजगार से संबंधित मामला है मनरेगा का। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि वेन वाज नाबार्ड कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि नाबार्ड जो है वो कब स्थापित हुआ था। नाबार्ड स्थापित हुआ था 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के संस्तुति पर, यानी कि सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे,
तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर फॉर, यहाँ पर देखो नेशनल बैंक फॉर है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि एक ऐसा बैंक है जो कि ग्रामीण विकास और कृषि विकास के लिए विशेष तौर पर साख यानी कि लोन या फिर क्रेडिट की व्यवस्था करता है। और आपको पता है कि देश के अंदर जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं या रीजनल रूरल बैंक्स हैं जिसको हम RRB कहते हैं, उन सबको ये रीफाइनेंस करने का काम करता है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड जो है ध्यान रखिएगा एक कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, चलिए, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। शिवरमन जो जी की संस्तुति पर यानी कि सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो 47 क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। तो ये पक्का अनएम्प्लॉयड लेबर होगा, है ना, बेरोजगार श्रम कहलाते हैं। देखो लेबर फोर्स का मतलब कि कितने लोग काम करना चाहते हैं और एक्चुअल में यहाँ पर लोग कितने काम कर रहे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बनेगा हमारा? बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगार श्रम बनेगा, यानी कि श्रम बल और कार्य बल का अंतर क्या कहलाता है? बेरोजगारी कहलाती है, बेरोजगार श्रम कहलाता है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, फॉर्मूला आया ये। अब यहाँ पर देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 48 क्या कह रहा है, 48 क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ, क्या कह रहा है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि इनमें से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आता है। अच्छा, कौन सा नहीं आता है? सोलर नहीं आएगा। ठीक है, सोलर, सौर ऊर्जा को हम लोग शामिल इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, परंपरागत स्रोत ये नहीं है। यहाँ पर चलिए 49 पर, चिपको मूवमेंट यानी कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई, तो सुंदर लाल बहुगुणा जी ने इसकी जो है शुरुआत करी थी, जिसमें कि हिमालय क्षेत्र में विशेष तौर पर आप उत्तराखंड चमोली जिला है वहाँ की आप बात कर लें तो वहाँ की जो महिलाएं हैं मुख्य रूप से वो पेड़ों से चिपक रही थी। क्यों? क्योंकि पेड़ों के संरक्षण के लिए, है ना, वन होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई सारे छोटे छोटे जीव जो हैं उजड़ जाएंगे, रहेंगे नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो पेड़ों को संरक्षण देने के लिए विशेष तौर पर महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती थी, चिपको आंदोलन इसी का नाम दिया गया है, और सुंदर लाल बहुगुणा जी ने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं, और यहाँ पर अब हमारा जो है क्वेश्चन हो चुका है फिनिश, ये क्वेश्चन संख्या 50 होते ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज, देखो पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, बिल्कुल इंडिया की इकोनॉमी की तरह ही है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, नियमन और नियंत्रण के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन एंड कंट्रोल, यानी कि पूरी इकोनॉमी को रेगुलेट कैसे किया जाता है या कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो इस आधार पर जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया की अर्थव्यवस्था भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, किसके आधार पर? नियमन और नियंत्रण के आधार पर। लेकिन विकास के आधार पर अगर आप बात करेंगे, ठीक है, विकास के आधार पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित के लिस्ट में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? अल्प विकसित। ठीक है, अल्प विकसित सही लिखा है कि नहीं, क्या क्या लिखा गया? अल्प यहाँ पर, ठीक है, अल्प विकसित। ठीक है, अल्प विकसित आप ध्यान रखिएगा या फिर विकासशील आप ध्यान रखिएगा कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो विकास के मामले में अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी कंटेंट आपको बताए हैं सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से हम अगली वीडियो कंटेंट के साथ, तब तक रखते इतना ही, जय हिंद।